अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का दिन देखते हैं हमारा कैसे जाएगा, क्योंकि आज बड़ी मसरूफियात है, क्योंकि गांव का सिस्टम है यहाँ पे, हर के घर अपने अपने बैल होते हैं, फिर जाके काटने पड़ते हैं, मतलब सारे साथ हेल्प करते हैं, आते हैं, फिर इधर जाओ उधर जाओ, फिर उनके साथ मदद करनी पड़ती है, फिर गाँव में गोश्त बांटना पड़ता है गरीबों गुरबाओं को जितने भी हैं। गांव में तो खैर कोई नहीं, गांव से बाहर इधर उधर फिर देना पड़ता है गोश्त, फिर छला भला। गाइस फाइनली ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फारग हो गए। फारग होने के बाद अल्लाह आपका भला करे, फिर जाके बैल शैल काटे, बैल काट के फिर इधर उधर बांटा, जो गरीब और आबाद है उनको दिया, हिस्से शिस्से सबको दिया। तो अभी जो कुछ रिश्तेदार रह गए हरिपुर वाला रिलेटिव है, तो उनको भी गोश्त देने जा रहे हैं। श्याम लोगों की गाड़ी है, उस पर जाएंगे, साथ में आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी निकाल ली हमारे भाई ने, भाई सामने आ जाओ ब्रदर। हमारे भाई ने गाड़ी भी बाहर निकाल ली है, तो बस अभी जा रहे हैं हरिपुर। सामने गाड़ी निकाल ली है, हाई रूट पे जाएंगे। चलें भाई, बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारा जो ठाकुर लगे हैं मोबाइल में, और गर्मी इस कदर है कि पूछो मत। तो अभी अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से भी जाते हैं, पानी की बोतल लाने गया लड़का, पानी की बोतल लेके आएगा ठंड की, और फिर यहाँ से निकलेंगे हरिपुर। वहाँ से कोई जो रिलेटिव है उनको देना है गोश्त, फिर अल्लाह आपका भला करे। तो भाई फाइनली लोग निकल चुके हैं। हमारे जो ड्राइवर हैं ये काफ़ी हेवी ड्राइवर हैं, काफ़ी ड्राइविंग कर रहे हैं हेवी वाली। हम ही निकलते हैं घर के लिए, नामा भी ब्लॉग देखता हूँ, नहीं जरा गुजारा करें। हाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग सदर थाने के पास आ चुके हैं, बाईपास पे चढ़ने लगे। अभी यहाँ से हम लोग बाईपास पे जाएंगे, फिर जाएंगे श्याम लोगों के घर पे, वहाँ पे साथ जो इधर उधर जो रिलेटिव है उनको पहुँच देना है, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, देखते हैं बाजार में क्या रौनकें लगी हुई हैं। फाइनली अभी हरिपुर आ चुके हैं, पेट्रोल रखा दी। गाइस फाइनली अभी हम लोग हरिपुर आ चुके हैं, फाइनली अभी उन लोग घर पहुँचे हैं, गोश्त सारा बांध लिए। तो श्याम भाई गर्मी बहुत है, श्याम भाई गया नहाने के लिए, तो मैंने कंप्यूटर लगा दिया और अब मैं सुन रहा हूँ गाने, अब आपको सुनाता हूँ। ड्रेसिंग पे मत जाओ यहाँ पे, इसकी मतलब गाने बड़े टाइट चल रहे हैं, साउंड टाइट है इसका, अगर मैंने प्ले किया तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा जैसे पहले आ रहे थे। तो बस आप देख लो यहाँ से थोड़ा सा। गाने काफ़ी सुन लिया और ऊपर से मगरब का टाइम हो गया, श्याम भाई नहा के जैसे बाहर आएंगे तो हम चलेंगे वापस घर की तरफ। देखते हैं रास्ते में कोई अच्छी जगह, वहाँ पर रोक के कुछ खाना पीना करते हैं और
बस चलते हैं घर पे, दिखाते हैं रास्ता आपको। इस गाड़ी मोड़ रहा और तो चलें भाई। कोयले लेने के लिए रुके हैं अभी, अभी कोयले लेते हैं फिर चलते हैं। कोयले ले लिए, कितने लिए? 3 किलो। 3 किलो लिए गाइस, हमारी टर्बो खड़ी है, टर्बो चलते हैं। वो मेन बाजार है जो रश से कच्चा कच हुआ था, अभी वो कच्चा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि ईद का पहला दिन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अंग्रेज आ रहे हैं गाइस, पाकिस्तान में अंग्रेज अंग्रेज देखे अंग्रेज नहीं है, पाकिस्तानी है, मगर थोड़ा चिट्टा रंग है ना, दबा वाला अंग्रेज है, काफ़ी सारा चिट्टा रंग है उन लोगों का। बस यहाँ से लेने अभी थोड़े से रोटी और बंशन लेने चलते हैं। रोटी ले ली है और ये कुछ स्वीट्स लिए हैं थोड़े से, और ये चावल लिए हैं और ये कोयले पड़े हैं, तो अभी चलते हैं घर की तरफ सीधे सीधे। गाड़ी भी रुकते हैं, बेकरी में जाते हैं, देखते हैं क्योंकि आइसक्रीम शाइसक्रीम अच्छी सी मैं ये ले दूँ, 100 रुपये में यही आ जाएगी बजट लो है गाइस। फाइनली डिसाइड किया, एक बोतल लेते हैं हम लोग, 3 लेने बोतल कोक लेते हैं, ठंडी नहीं है गाइस। 7 अप ले लिए, स्प्राइट है, स्प्राइट सॉरी, साथ में कुछ लेंस दे दो गाइस, एक और बोतल ले लिए गाइस। मैं आ चुका हूँ गाड़ी में, अब मोटर लेके आएगा, आ जाओ मेरा बच्चा, इधर ले आओ, ओए वहाँ से लेके चला के देखे, मैं यहाँ पे हाथ खड़ा करके बैठा हूँ, वो ग्लास तेल गाइस देखे, हमारा जो मोटर है माशाल्लाह इन्होंने पूरी कब्जा कर ली है, अब देखते हैं रास्ते में क्या होता है। फाइनली घर पहुँचे हैं और घर पर आके पता लगा कि भाई लाइट नहीं है, तो गर्मी से हालत ख़राब ही पड़ी है, खाते हैं रोटी, तो इस व्लॉग को यहाँ भी करता हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बता दो बस कैसा बना, गलती निकाला करो यार, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।